भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में एक बार फिर 90,000 नए केस सामने आए। वहीं लगातार 8वें दिन 1,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में आगामी कुछ महीने खतरनाक रह सकते हैं। खासतौर पर अक्टूबर का महीना महत्वपूर्ण रहेगा। देश में अभी 43 लाख से अधिक केस आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 34 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 9 लाख के करीब सक्रिय मरीज हैं। देश में कोरोना से कुल 74,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ड्रग एडिक्ट के मामले में अग्रणी राज्य पंजाब में 17,000 ड्रग एडिक्ट का कोरोना टेस्ट किया गया। यह आंकड़ा सिर्फ एक जिला तरन तारण का है, लेकिन टेस्ट के दौरान जिला प्रशासन की ओर से लापरवाही बरतने का मामला भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ट के दौरान पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। पंजाब सरकार का आदेश है कि ड्रग एडिक्ट सभी लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट किया जाए और इसके अलावा इनके यूरिन का टेस्ट करके यह पता लगाया जाए कि यह लोग कोई और नशा करने के आदि तो नहीं हैं। राजस्थान में बीते दिनों मुख्यमंत्री निवास और कार्यालय में कोरोना के करीब 40 मामले सामने आए थे। लगभग 40 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने आगामी एक महीने तक आम जन सहित अन्य सभी लोगों से मुलाकात नहीं करने का फैसला किया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन मुख्य उपाय है। खुद का बचाव करके ही इस संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं और सूचनाओं का प्रचार प्रसार संभालने वाले जनसंपर्क विभाग में कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया है। संभवतः यह पहला ऐसा विभाग है जहां संचालक से लेकर चपरासी तक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। अब तक विभाग से 25 अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि संक्रमण ने उनके पारिवारिक सदस्यों को भी अपने घेरे में ले लिया है। विभाग में संक्रमण के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। शासन के समस्त विभागों की सूचनाओं को प्रचारित करने की जिम्मेदारी जनसंपर्क विभाग की है, लिहाजा कोरोना विस्फोट का सीधा असर सरकार से जुड़ी सभी तरह की सूचनाओं और प्रचार प्रसार पर पड़ रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को लेकर सेफ्टी जैसे कुछ सवाल पैदा हुए हैं। कुछ लोगों पर इसके ट्रायल के नुकसानदायक नतीजे देखने को मिले हैं। इसके बाद आगे का ट्रायल रोका गया है। एक स्टडी में नुकसानों का खुलासा हुआ है। जिन देशों में वैक्सीन के ट्रायल के दौरान नुकसान सामने आए हैं उनमें अमेरिका और ब्रिटेन शामिल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर इस वैक्सीन को बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले फीवर क्लिनिक का संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने लोकार्पण किया। फीवर क्लिनिक में कोविड 19 के प्रारंभिक लक्षण की जांच मुफ्त में की जा रही है, साथ ही दवा का भी वितरण किया जा रहा है। फीवर क्लिनिक को लेकर विकास उपाध्याय ने कहा कि पश्चिम विधानसभा के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने इसकी शुरुआत की है। सर्दी खांसी बुखार जैसी स्थिति में यदि दवाई भी देनी है तो पहले ऑक्सीमीटर के माध्यम से उस व्यक्ति का ऑक्सीजन की जानकारी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप हर व्यक्ति तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।